हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। तो अभी हो रहा है 11:15 और अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गया हूँ। क्लास भी है तो जाना होगा, तो सहरी खाकर सोया था, तो अभी थोड़ा देर पहले ही सोकर उठा हूँ। और अभी निकलते हैं सबसे पहले कॉलेज, और कॉलेज में आपसे मुलाकात होती है फिर। तो दोस्तों, मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँ। कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा पिछले बार की तरह सन्नाटा हो रही है। वैसे हो सकता है अभी क्लास भी हो रही होगी, क्योंकि क्लास का वक्त है। तो अभी हमारी जो क्लास होगी 12:30 से, और अभी वक्त हो रहा है 12:00। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, उसके बाद क्लास होगी। मैं थोड़ा आज लेट आया हूँ, तबीयत सही नहीं था, इस वजह से लेट ही उठा था तो लेट आया हूँ। वेट करते हैं फिर आगे की क्लास के लिए, क्योंकि 2 क्लास हुई है और अगली क्लास 12:30 से होगी। ये देखें, हाइजेनिक का जगह और पूरा सन्नाटा। रमज़ान में ये जगह पूरा सन्नाटा ही होता है। शाम में यहाँ पर थोड़ा भीड़ हो जाती है वैसे, लेकिन जब सुबह के समय में आते हैं तो ये जगह पूरा सन्नाटा। अदर डे तो ठीक ठाक भीड़ होती है यहाँ पर। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट में आ चुके हैं। बस लिफ्ट के पास जाना है और 306, कभी पता चलता है कि ये हमारे क्लासरूम नहीं है, कभी क्लासरूम है, तो कन्फ्यूज है हम भी। अभी चलते हैं, क्लास यहीं होने वाली है। और ये पीछे में बंदा, इसको तो जानते ही आप, तो लिफ्ट का वेट करते हैं। तो ये देखिए, संस्कृत डिपार्टमेंट आ चुके हैं हम, और अपने क्लास की ओर चलते हैं। बोल रहे हो कुछ? वो अभी क्लास करके आ चुके हैं, और अभी वक्त हो रहा 1:30। ये जगह बनाया हो, मस्जिद प्रॉपर तो है नहीं वैसे, यहाँ पर जुमे की भी नमाज़ होती है और अभी भी जोहर में भी नमाज़ होती है, असर में भी होती है। यहाँ पर जमात 1:10 या 1:15 में होती है, तो यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी हम भी चलते हैं, नमाज़ पढ़ देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी क्लास हो चुकी है और अब हम थोड़ी देर में घर के लिए भी निकल लेंगे। आज की सारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, और आज देखा जाए तो पूरी क्लास भी हुई है। सुबह की 2 क्लास जो हम अटेंड नहीं किए, आए ही नहीं थे, लेट आए थे कॉलेज, तो वो भी क्लास हुई है। और लास्ट वाली क्लास जो अभी नहीं हो रही थी, वो आज हो चुकी है। अभी सेकंड फ्लोर पर है, चलते हैं नीचे, उसके बाद थोड़ी देर में घर भी निकलेंगे। अभी वक्त हो रहा है 6, और मैं असर का नमाज़ पढ़ चुका हूँ। और आज की गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, पहले के मुकाबला कल और आज। कल भी गर्मी ज़्यादा थी और आज भी धीरे धीरे अब गर्मी होते जा रही है। और आज धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली निकली हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है गर्मी आज। और मेरा जो तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर होते जा रहा है। पहले से कल तक थोड़ा ज़्यादा था, फिर कल शाम से थोड़ा सही होना शुरू हो गया, तो आज सुबह भी बेहतर था और फिर अभी भी काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा। तो आप लोग दुआ करें जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और अब रात 6:40, और मैं छत पर आया हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। तो मौसम बहुत शाम से अच्छा हो गया अभी, और अजान होने में बस 2 या 3 मिनट बाकी है, तो अजान होगी अब, और सूरज भी ग़ुरूब हो चुकी है। मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है शाम में, तो चलते हैं, अब अजान होने वाली है और उसके बाद अफ्तार होगी, तो मिलते हैं अफ्तार के बाद। तो दोस्तों, अफ्तार हो चुकी है, और अफ्तार के बाद मैं मगरिब का नमाज़ भी पढ़ लिया हूँ। आज IPL मैच में पंजाब का मुकाबला राजस्थान से है। मैच स्टार्ट होने में 3 मिनट बाकी है, देखते हैं आज कौन जीतता है। पंजाब एक मैच जीत चुका है, आज देखते हैं राजस्थान जीतता है या फिर पंजाब। तो स्टार्ट होने वाला है, अब मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जाकिर नगर में, और जाकिर नगर में प्रॉपर यहाँ पर के 2 ब्लॉक हम ला चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज इस कदर की भीड़ हो रही है, धीरे धीरे यहाँ की तादाद बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का हुजूम है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा यहाँ पर। तो जाकिर नगर का माहौल देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और अभी तरावी ख़त्म हुई है, और इस वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और अभी हम हैं पहलवान जी लस्सी वाले के पास। कैसे हैं आप लोग?
तो माहौल तो वैसा का वैसा ही है पिछले बार जैसे हम लोग आए थे, पर लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने नहीं आए थे क्योंकि हम लोग कर चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। और माहौल वैसा का वैसा ही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है। रमज़ान का जैसे जैसे ज़्यादा दिन होते जा रहा है यहाँ पर और भी तादाद बढ़ते ही जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम घर निकलने वाले हैं और 11:20 होने वाले हैं, तो यहाँ पर माहौल तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन अब निकलेंगे घर और सबसे पहले घर चलते हैं क्योंकि मेरा तबीयत जो है थोड़ा ठीक तो है लेकिन ज़्यादा देर तक बाहर रहना सही नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।